हाँ जी बाबूजी, क्या तकलीफ थी आपको? बगंदर थी। बगंदर? कितनी पुरानी थी बीमारी ये? 20 साल पुरानी। उसके बाद दवा दारू करते आए थे आप? ऑपरेशन भी हो रहा था दो बार। दो बार ऑपरेशन भी हो चुका? हाँ जी, दो बार ऑपरेशन हुआ था और अंदर की पूरी तरह सफाई भी हो चुकी थी। ये तो आपके पिता बोले दोबारा नहीं होगी। आपके पिताजी हैं? हाँ जी, मेरे पिताजी। तो बताइए क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, डॉक्टर ये बोले सफाई करने के बाद के दोबारा नहीं होगी। अच्छा, 6 महीने के अंदर दोबारा फिर होगी। बहुत बुरी हालत होगी। फिर दोबारा लेके गया, डॉक्टर ये बोले दोबारा सफाई कर दी, अब नहीं होगी। अच्छा, लास्ट में किसी ने ये बता रो तक जाओ ऑक्सीजन हॉस्पिटल में, उन्होंने हमारे 6,000 पे टेस्ट किए और उन्होंने लास्ट में ये डिसीजन रखा बड़े डॉक्टर ने, जो हॉस्पिटल का मेन ओनर है, कि हमारे बस की ऑपरेशन नहीं है। अगर 0.5% भी ऑपरेशन गलत हो गया तो पूरी जिंदगी चारपाई में रहेगा आपका बादशाह साहब। ऐसा क्या बताया था उन्हें, कहाँ तक जख्म है रिपोर्ट में? उन्होंने बताया जी कि पूरे पेट में जख्म, लैट्रिन के रास्ते तक जख्म है। तो मेजर ऑपरेशन बोला था? हाँ जी, मेजर ऑपरेशन बोला था। और उसकी भी कोई भी गारंटी नहीं थी। वो ये बोले बड़े उम्र हो रही है तेरे पिताजी की, और 20 साल निकाल देगा। अगर ऑपरेशन हो गया ना तो ये 2 साल नहीं निकालेगा। अच्छा, ठीक है। मेरे फादर जी को 20 से 25 साल पुरानी बीमारी थी। कंडीशन क्या थी उस टाइम बाबूजी आपकी? नहीं, आप जो कब्ज रहती थी, पेट साफ हो पाता था, बैठ पाते थे, तकलीफ कई बार जाना पड़ा था, कई बार जाना पड़ा था, और जो दर्द रहता था वो दर्द नहीं था। अच्छा, तो फिर कब्ज आपको कैसे पता चला बगंदर है? बगंदर में तो बैठ भी नहीं सकते व्यक्ति, बगंदर में तो कुर्सी पे भी नहीं बैठ सकता व्यक्ति। नहीं, बस वो लैट्रिन करती जब है तकलीफ होती है। अच्छा, तो क्या तकलीफ होती थी आपको फिर? कुछ नहीं, वो घासी थी कुछ मतलब बना जा। अच्छा, बाहर भी आ जाती थी, बाहर भी आ जाती थी। करते टाइम जो जख्म था ना, तो घुमड़ी थी वो बाहर आ जाती थी, तभी तकलीफ होती थी। और वो हाथ से अंदर धकेलनी पड़ती थी, हाथ से दकार वो हाथ से अंदर धकेलनी पड़ती थी, गांठ बनी हुई थी। हाँ जी, बहुत बुरी गांठ बनी हुई थी। लैट्रिन करते टाइम वो जो जख्म थे ना, जो अंदर गुमड़ी हो चुकी थी, वो बाहर आ जाते थे, वो हाथ से अंदर करनी पड़ती थी। अच्छा, हाँ जी। तो उसके बाद आपने जो दवा ली उसका क्या रहा? हमने डॉक्टर राकेश से दवाई, ये दवाई चली 10 से 15 दिन, बाकी खुराक थी जी 3 से 3.5 महीने की। मेरे फादर जी को आराम हो गया 15 से 16 दिन में, पूरा का पूरा 100% कंप्लीट। वो जो ये दवाई जो मस्से थे बाबू जी, वो पिंगल गए थे, ठीक हो गए थे, पेट बिल्कुल ठीक हो गया था, गैस एसिड सब ठीक हो गया था। अच्छा, लैट्रिन करते हुए दर्द होना कितने दिन में बंद हो गया था? बस जब भी हो गया था 1 हफ्ते, 1 हफ्ते के अंदर ही। हाँ जी, और क्या बताने? ठीक है, दवाई शुरू होने के बाद, दवाई शुरू होने से पहले मेरे फादर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थे। ठीक है, वो बीमारी तो ठीक हुई हुई, लेकिन 10 से 12 किलो वेट ऑटोमेटिकली बढ़ गया। वजन बढ़ा जी आपका फिर उसके बाद? ब्लड आता था आपको उसमें? ब्लड नहीं आता था। अच्छा, वैसे सूखी बवासीर थी आप, चीज पीड़ लगती थी? अच्छा, ठीक है। अब कोई तकलीफ तो नहीं है ना? खाया पिया हजम होता है ठीक ठाक, भूख भी ठीक लगती है, फ्रेश भी अच्छी? अच्छा, ज़्यादा लगती है, फ्रेश भी ठीक होते हो? ठीक है, धन्यवाद आपका।